सो हेलो दाप नमस्कार सत श्री अकाल केम छो, मेरा नाम है विराट और आज हम लोग एक ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो गाइज, एक पर्सन है साहिल शर्मा जो कि उधमपुर से है एंड ये एक डिलीवरी कंपनी में काम करते हैं एंड इन्होंने कल मेरे को इंस्टाग्राम पे एक काफी ज्यादा हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स बताया। इन्होंने मेरे को बताया कि एज यूजुअल ये कस्टमर के घर पे डिलीवरी करने गए थे एक पार्सल की एंड पार्सल में जो प्रोडक्ट था, जैसे कि आपको पता है कि भाई डब्बे के अंदर क्या है, बंदे को क्या ही पता लगेगा, तो जो सा भी प्रोडक्ट था भाई वो डब्बे में डैमेज था एंड भाई जो कस्टमर था वो उनको कहता कि मेरे को अभी के अभी रिटर्न चाहिए, जिसके रिप्लाई में भाई साहिल शर्मा भाई हमारे कहते हैं कि भाई एक प्रोसीजर होता है रिटर्न करने का, जिसके बदले में भाई कस्टमर उनको असॉल्ट करते हैं, मतलब मारपीट देते हैं। मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ। ये वीडियो ऑन है, ये मेरी, हाँ बोलो और बोलो, बोलूंगी बोलो ना, हमारे अंदर तो मेरी चाबी नहीं थे, आपको बता दिया। हाँ तो मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा, देखो मेरी 1 लाख की बाइक, हाँ दिखा रहे हो, आप मैं क्यों कराऊंगा, मैं थोड़ी मंगा रहा हूँ, मैंने मंगाया ये देख लो, स्कैन अपने फोन में करवा रहा है, मैं स्कैन अपने फोन में स्कैन करा, आप देखो वहाँ पे आप सेंड करो, देखो देखो किसने सेंड किया, रुको आप, मैं पुलिस वाले को बुलाता हूँ। हाँ तो आप उठा रहे हो ना। एंड साहिल शर्मा भाई ने मेरे को बताया कि उन्होंने पुलिस रिपोर्ट भी कराई थी लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि यार बंदों का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है भाई। एंड सीरियसली यार, अभी मैं न्यूज दे रहा हूँ एंड मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरा न्यूज देने का कोई फायदा नहीं, जब बंदे की अगली हेल्प ही नहीं हो रही एंड अगर प्लीज कोई एडमिनिस्ट्रेशन से देख रहा है तो भाई इनकी हेल्प जरूर करें भाई। बट एनीवेज, बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि रिलेटेड होने वाली है मानिक अत्री और जानू स्टंट से। सो गाइस, मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जानू स्टंट्स ने भी मानिक अत्री को रिप्लाई करा था एंड जानू स्टंट्स ने अपने वीडियो में मानिक अत्री के रिलेशनशिप के रिलेटेड एक बात बोली थी कि जिसके साथ रह रहा है सही से रहा है। तो इस पे मानिक अत्री की साइड से भी कल एक वीडियो आई जहां पे वो कुछ ऐसा बोलते हैं। बट उस बंदे ने 2-3 अलग ही टॉपिक उठा लिए, मैंने व्लॉग देखा ठीक है, उसमें उसने काफी सारी चीजें क्लियर करी बट वो हुई नहीं, तो ये मेरी लास्ट वीडियो है इसके इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मेरे को बेइज्जती फील हो रही है ठीक है। उसने ये बोला कि भाई जिसके साथ तू रह रहा है ना उसके साथ कम से कम सही रहे, मतलब जैसे मेरा रिलेशन है सांची के साथ, मैं आपको समझा देता हूँ, तो उसका कहने का ये मतलब था कि तू जिसके साथ रह रहा है कम से कम उसके साथ सही रहे ठीक है। तो भाई मैं तो तेरे को यही बोलूंगा कि तेरे मुंह से तो ये बातें अच्छी लगती नहीं है ठीक है, कि किसके साथ सही रहना है किसके साथ नहीं, बाकी ये टॉपिक को मत छेड़ो तो सही है, बात यहीं पर ख़त्म करो भाई, मेरे को तू बुला ही मत, मैं भी तेरे को नहीं बुला रहा ठीक है। बहुत सोचा मैंने कि भाई अभी भी टाइम है बट नहीं भाई, तू हर बार अलग अलग वीडियो में कुछ नई नई चीज़ें ही बोल देता है। मैंने सिर्फ एक बात बोली थी तेरे को कि जिस लड़की से मेरी इतनी बातें हुई हैं, लड़ाई हुई है, तूने इसका व्लॉग बनाया, तू ये भी बोल सकता कि भाई बना दिया जो भी है, चल छोड़ो ये भी छोड़ो, तेरी मर्जी है भाई, तूने बनाया बहुत अच्छा किया, बस ये जो तूने बात बोली ना ये मेरे को, तुझे लगा कि मेरे को शायद समझ नहीं आएगी बट मैंने समझ लिया, तो भाई सोच समझ के बोलो क्या बोल रहे हो आप। मेरे को सही बताऊं गाइस, मेरे को आज ये वाली वीडियो बनानी ही नहीं थी, मैं आया हुआ था भाई सांची के पास, मैंने आज कहीं जाना था व्लॉग शूट करना था, बट ये मैंने व्लॉग देखा था, मैंने कहा भाई ये जो बातें बोली है ना ये इसका कोई लेना देना ही नहीं है, ये बीच में क्यों आ रही है ठीक है, बात क्या थी और क्या बीच में आ गया है। दूसरी बाकी बस भाई तूने जो एक बात बोली ना कि जिसके साथ रह रहा है उसके साथ कम से कम सही रहा, तेरे को ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी ठीक है, बट चल तूने बोल दिया, कोई नहीं, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं भी 10 बातें और बोलूं, तो तुझे भी पता है कि मेरे को क्या क्या पता है और मेरे बारे में तुझे भी बहुत कुछ पता है। एंड ऑल्सो गाइज, आप सबको पता होगा कि जानू स्टंट्स ने मानिक अत्री को बोला था कि अगर तेरे व्यूज कम आ रहे हैं तो मेरे साथ आके वीडियो बना ले, सो इस पे भी मानिक अत्री ने रिप्लाई देते हुए कुछ ऐसा बोला, अगर व्यूज नहीं आ रहे तो मेरे साथ आके वीडियो बना ले, तो भाई जो तेरे साथ पहले वीडियो बनाई है उसमें क्या 10-10 मिलियन व्यू गए थे क्या, इतना फेमस तो हुआ नहीं है तू, वो भी इतना कमेंट अच्छा नहीं होता भाई, इतना कमेंट अच्छा नहीं होता। ऑल्सो राजा डीसी ने भी इनडायरेक्टली रिएक्ट करा जानू स्टंट्स और मानिक अत्री की कंट्रोवर्सी में अपने वीडियो में, वो कुछ ऐसा बोलते हैं, और वैसे भी आपको पता है अपने जानू के मसले तसले चलते रहते हैं, कभी किसी के साथ कोई सीन हो जाता है कभी कुछ, तो मैं तो जानू के लिए यही चीज बोलूंगा भाई, देखो जानू जब से मेरा दोस्त बना है ना तब से वो बंदे ने ऐसी कोई भी मेरे साथ कोई ऐसी हरकत या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं की कि इसके लिए मैं एक भी ऐसी चीज़ बोल पाऊँ, उसने मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें लाइफ में की है ना जो कि अपने भाई भी नहीं करते हैं, जान मतलब अपनी जान ही उसने हमारे ऊपर वारी हुई है, ऐसा भाई है जानू, तो मेरी तरफ से जानू के लिए कभी भी कोई हेट नहीं रहेगी, मैं फिर भी उसके साथ कभी कभी नाटक कर लेता हूँ। जानू स्टंट्स की बात हो रही है तो बात करते हैं उन्हीं के बारे में। सो गाइस, कल उनकी साइड से एक हाइपर राइड वाला व्लॉग आउट हुआ जहाँ पे भाई जहाँ पर वो उर्वशी यानी द रेप गर्ल को पीछे बिठा कर विली मारे थे, मैं आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ। क्या हुआ हैं? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? क्या हैं? मजा आया?
गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आमिर माजिद के बारे में। सो गाइस आमिर माजिद की साइड से कल एक व्लॉग आउट हुआ जहां पे वो कुछ अपने हेटर्स के बारे में बात करते हुए कुछ ऐसा बोले कर दिया था और सारे बंदे कह रहे थे भाई रोड पे कौन थे भाई उस टाइम पे रोड पे कुत्ता था भाई एक्चुअली एंड वो उस कुत्ते की बात कर रहा था भाई मैं कि तुम हेल्प करोगे ना इस टाइम ऐसा टाइम है वही तुम्हें डस देगा भाई। एंड अभी मैं और उबी यही बात कर रहे थे, उबी कह रहा था भाई मैं यहाँ पे आया हूँ ज्यादा दिन रहना नहीं चाहता, बस यहाँ लोग चिपक जाते हैं, लिच होती है ना जो खून चूसती है, चिपक जाते हैं ना, चिपकने के बाद भाई वो फिर अलग अलग हरकतें करते हैं। आउट है क्या तुम्हारी गाड़ी मेरे से? सो गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले एजाज खान के बारे में। सो गाइस आप सबको पता होगा कि हर्ष बेनीवाल की साइड से एक पैरोडी वीडियो आउट हुई थी एजाज खान पर, एंड गेस व्हाट, एजाज खान की साइड से एक बहुत ही गंदगी भरा रिप्लाई आया जहां पे उन्होंने हर्ष बेनीवाल की सिस्टर के लिए कुछ ऐसा बोला है। यार तेरी बहन वो मिलिंद गाबा की बीवी मेरे साथ ओयो में पकड़ी गई तो तू ये सब कर रहा है बेटा? वो तो बोली बोले जीजा जी का छोटा सा है तो मुझे पठान का चाहिए, फिर तेरा बाप भी आया तो मैं तेरे बाप की भी, तेरा बाप तेरी मम्मी को भी लेके आया कि इनकी भी लो और बाद में मेरे बेटे हर्ष बेनीवाल की, ठीक है बेटा। सो गाइस ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो मेरे चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।